जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीआर शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुणा करना सिखाने वाले हैं। गुणा में भी मैं दोस्तों आप लोगों को एक अंक से, दो अंक से और वीडियो के लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको तीन अंक से गुणा करना सिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को इन सारी के सारे सवालों में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपको इस तरीके से कोई भी सवाल मिल जाए आप लोग बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व भी कर लेंगे। चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम ये वाला सवाल सीखेंगे, फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग ये वाला सवाल सीखेंगे। दोस्तों, इस सवाल को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आप लोग अच्छी तरीके से इसको सीख पाएंगे और आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए, पहला सवाल हमारे पास ये है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग सवाल को करते हैं सबसे पहले हम इधर से देख करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। हम ऊपर वाली संख्या देखेंगे कि कौन कौन सी है हमारे पास, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, और हमें गुणा किन किन संख्याओं से करना है, सिर्फ एक संख्या से, मतलब 2 से हमें इस पूरी संख्या को गुणा करना है। गुणा करने का मतलब ये होता है, हम इधर से पहली संख्या देखते हैं तो ये जितनी बार, मतलब ये जो संख्या होगी ना, इस संख्या का हमें उतनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 6 है ना, तो हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं 2 का पहाड़ा 6 बार। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। देखिएगा दोस्तों, हमने 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 छंग 12। तो 12 के कितने लिखेंगे दोस्तों, 12 के 12 तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो हम 12 के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे, इकाई अंक हमारा 2 लिख देंगे यहाँ पर, और जो ये वाला दहाई अंक हमारा जो बचेगा वो हमारा 1 जो बचेगा वो हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया और 1 जो बचा है वो हमारा हासिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे। अगली वाली कौन सी संख्या है, 3, तो 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 1 जो इसमें से हासिल बचा था ना, तो 6 और 1 7। तो 7 हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके, तो 7 के साथ आप हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जब बीच में या यहाँ पर तो कहीं पर भी मतलब 2 अंक वाली पूरी संख्या आती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग इकाई अंक ही लिखते हैं, लेकिन 1 अंक वाली पूरी संख्या आती है तो हम उसको पूरी की पूरी संख्या लिख देते हैं, क्योंकि हम 2 अंक वाली अगर पूरी संख्या लिख देंगे तो ये सवाल हो जाएगा गलत। मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 4, 2 का पढ़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। अब दोस्तों हमारे पास हासिल तो कोई है नहीं, तो हम 8 के 8 हम दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा 5 बार, क्योंकि अगली संख्या जो हमारे पास है वो 5 है। तो चलो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। 10 आ गया, हासिल तो हमारे पास कुछ है नहीं। अब ये 2 अंक वाली 200 संख्या है, लेकिन इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो हम लास्ट में 2 अंक वाली पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं। तो 10 आ गया है ना, तो 10 के 10 अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है नहीं। जब कोई लास्ट वाली संख्या होती है उसके आगे कोई संख्या नहीं होती, तो वहां पर हम पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक सवाल को तो सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पर क्या है, संख्या 3 है, तो 4 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ लेते हैं, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो भी आप लोग इसको देखते रहिएगा। 4 एक कम 4, 4 दुनिया 8, 4 तें 12, कितना हो गया, 4 तें 12। तो 12 के कितने लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, 12 के हम लोग 2 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो चलो पढ़ लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 दुनिया 8, 4 तें 12, 4 चक्कू 16, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 और 1 इसमें से हासिल, 12 में से एक हासिल भी तो बचा था ना, तो 20 और 1 21, तो 21 का कितना लिखेंगे, 21 का दोस्तों 1 लिखेंगे, क्योंकि 21 हम दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं ना, तो 21 का 1 लिख देगा और 2 जो हमारा बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेगा 4 का पढ़ा 4 बार। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, और 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, और 16 में ये 2 हासिल जोड़ेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास बच गए थे ना, तो 16 और 2 18। 18 किस तरीके से दोस्तों लिखते हैं, 18 दोस्तों हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो 18 के कितने लिखेंगे यहाँ पर, 18 के हम लोग 8 लिख देंगे, और जो 1 बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें, हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार। चलो पढ़ लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया और 1 इसमें से हासिल, तो 8 और 1 9। अब 9 आया है
तो 9 के 9 दोस्तों हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने चौथे सवाल की ओर, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो भी मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। तो 4 × 3 = 12 के हमने 2 लिख दिया, 4 × 5 = 20 और 1 × 21 का 1 लिख दिया, 4 × 16 और 2 × 18 का हमने 8 लिख दिया, 4 × 2 = 8 और 1 = 9 हो गया। ठीक है, मैंने आपको चेक भी करवा दिया। अब दोस्तों देखिएगा मेरे पास ये दो सवाल बचे, इन दो सवालों को भी हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, तभी आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना हमें, यहां पर देखते रहिएगा, हमें ये करना होगा। अब मैं आपको पहाड़ा लिख करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को अब इतने बड़े, अगर आप लोग सवाल सीख रहे हैं तो आपको पहाड़ा तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। देखिए 3 का पहाड़ा सबसे पहले हम इस पूरी संख्या, मतलब 3 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में हम 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 5 है तो 3 का पहाड़ा हम लोग 5 पर पढ़ लेते हैं। 3 का पहाड़ा आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 × 5 कितना होता है 15, 3 × 5 = 15, तो 15 के कितना लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर 5, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है 2 है, तो 3 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, तो 3 × 2 = 6 और 1 इसमें से हासिल, 6 × 1 = 7। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा आसानी से समझा रहा हूँ, देखिएगा 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 × 3 = 9, कितना हो गया 3 × 3 = 9 और हासिल तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम 9 × 9 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 9 × 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा हम लोग कितना पढ़ेंगे 6 बार में, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, कितना हो जाएगा 18, तो 18 × 18 अब हम पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई संख्या है ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, अब हम एक संख्या से हमने इस पूरी संख्या को गुणा कर लिया, अब हमारे पास 5 से इस पूरी संख्या को गुणा करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, जब भी दोस्तों हम दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो हम लोग इधर से देख लेते हैं इसके पीछे संख्या कितनी है, इसके पीछे संख्या कितनी है 1 है, सिर्फ इसके पीछे 1 संख्या है, तो हम यहाँ पर 1 संख्या को छोड़ देते हैं पहले ही, जितनी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे उसके पीछे देख लेंगे कि कितनी संख्या, और जितनी संख्या होंगी उतनी संख्या को हम यहाँ पर छोड़ करके आगे से लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, देखते रहिएगा वीडियो को। सिर्फ 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि पहली संख्या 5 हमारे पास, तो 5 × 5 = 25 के कितने लिखेंगे हम लोग 5, हासिल कितना बचा हमारा 2 बचा है। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 × 2 = 10 और 2 इसमें से हासिल, 10 × 2 = 12 के 2 लिख दिए, हासिल कितने बचे हमारे पास 1 बचा है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 5 × 3 = 15 हो गया और 1 इसमें से हासिल, 15 × 1 = 16 के 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 × 6 = 30 होता है, कितना होता है 5 × 6 = 30 और 1 इसमें से हासिल, 30 × 1 = 31, तो 31 का हम लोग 31 अब यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि ये सवाल हमारा अभी तक सॉल्व हो गया या नहीं सॉल्व हुआ, तो दोस्तों ये अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है सवाल, क्योंकि इसका राइट आंसर अभी नहीं निकला। इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें यह करना पड़ता है, 3 से जो संख्या गुणा की थी मैंने, उस जो संख्या आई थी, फिर 5 से जिस संख्या को गुणा करके हमारे पास जो संख्या आई थी, उनको हम आपस में जोड़ेंगे, और आपस में जोड़ने के बाद में जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12, 12 के कितने लिखते हैं हम लोग 2 लिखते हैं, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा, 9 और 2 = 11 और 1 इसमें से हासिल, तो 11 और 1 = 12, 12 के कितने लिखेंगे 2, हासिल कितना बचा 1, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 इसमें से हासिल, तो 14 और 1 = 15, 15 के कितने लिख देंगे 5, हासिल कितना बचा 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 इसमें से हासिल, 2 और 1 = 3, और 3 पहले से था तो 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक सवाल को और भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो एक सवाल और सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये 2 अंक वाला गुणा करने का मतलब सवाल था, अब दोस्तों हम 3 अंक वाले गुणा करने वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से देखिए हमें क्या करूँगा, सबसे पहले इसको पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 × 18, 18 के कितने लिखते हैं हम लोग 8, 18 × 8, हासिल कितना बचा हमारे पास 1 बचा है, फिर 2 × 6 = 12, 12 के कितने लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 और 1 इसमें से हासिल भी तो था, 2 × 6 = 12 और 1 इसमें से हासिल, तो 1 × 13, 13 के 3। आप लोग इसी तरीके से भूल जाते हैं और आप लोग सवाल में गलती कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 2 × 2 = 4 और 1 इसमें से हासिल, तो 4 और 1 = 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 × 8, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो इसके पीछे कितनी संख्या 1 संख्या, तो 1 संख्या को हम पहले यहाँ पर छोड़ देंगे, हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, 4 × 9 = 36, 36 के 6, हासिल कितना बचा 3 बचा है। अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 4 × 6 = 24 और 3 इसमें से हासिल, 24 × 3 = 27 के 7 लिख देंगे, हासिल कितना बचा हमारे पास 2 बचा है।
अब हम चार का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, दो बार, तो चार दुनी आठ और दो इसमें से हासिल, आठ दो दस का जीरो लिख देंगे, हासिल कितना बचा हमारे पास, एक बचा है। अब चार का पारा चार बार पढ़ेंगे, तो चार चक्को सोलह और एक इसमें से हासिल, सोलह और एक सत्रह, सत्रह के हम लोग सात को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिएगा अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखिएगा। अब तीन से गुणा करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं तीन के पीछे कितनी संख्या, एक और दो, तो हम यहाँ पर एक संख्या और दो संख्या को छोड़ देंगे, उसके बाद से ही लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों देखिए तीन का पड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, नौ बार, तो तीन नाम सत्ताईस, सत्ताईस के सात, हासिल कितना बचा हमारे पास, दो बचा है। तीन का पारा छः बार पढ़ेंगे, तो तीन छः अठारह और दो इसमें से हासिल, अठारह दो बीस का जीरो लिख देंगे, हासिल कितना बचा हमारे पास, दो बचा है। फिर तीन का पारा दो बार पढ़ेंगे, तो तीन दूनी छः और दो इसमें से हासिल, छः और दो आठ हो जाएगा, आठ के हम लोग आठ यहाँ पर लिख देंगे। फिर तीन का पारा चार बार पढ़ेंगे, तीन चक्को बारह, बारह के बारह हम दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप लोग देखते रहिएगा, अब आपको ये करना है जो मैंने इसमें किया था वही सेम टू सेम इसमें भी करना है, कि जिन जिन संख्याओं से गुणा करा करके मेरे पास जो आंसर आया है उनको हम जोड़ेंगे, जो भी चीज़ें आई उनको हम जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। आठ के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम आठ को ऐसे ही लिख देंगे, छः और तीन कितना हो जाएगा नौ, तो नौ को हम ऐसे ही लिख देंगे, पाँच सात बारह हो जाएगा, बारह और सात कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा। ठीक है, उन्नीस के कितने लिख देंगे हम लोग नौ, हासिल कितना बचा एक, आठ जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, आठ मतलब जीरो जीरो को जोड़ेंगे तो आठ ही रहेगा, आठ हो जाएगा इसमें से हासिल, आठ हो जाएगा नौ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सात और आठ को जोड़ेंगे तो आठ सात पंद्रह के पाँच हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा एक, एक और दो को जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा और एक इसमें से हासिल तो चार हो जाएगा, चार को हमने यहाँ पर लिख दिया और एक को ऐसे ही हमने उतार लिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको सवाल अगर हम आपको मिले तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सवाल समझ में आए हैं, अगर आप लोगों को ये समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसे ही मैथ के इंटरेस्टिंग और बेसिक टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।